यार में फिर आपने पर्चा दिया, एहतजाज भी किया आप लोगों ने? जी एहतजाज किया, बाहर एहतजाज किया। पहले वो कह रहे थे एक दो दिन यानी कि लगेगा, ऐसे ही मुलजम थोड़ी पकड़ा जाता है, वो घर से भाग गया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है पुलिस वालों ने। मुलजम को आपने पहचान लिया था? जी वीडियो में पहचान लिया, वो क्रिकेट खेलता था लड़कों के साथ, वो तैयब है मेरा ना, यानी कि मेरा भांजा है, उसने पहचान लिया, उसने कहा ये मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। उस तो बाद तुसी गए उधर, फिर तुसी फोन किया अपने हस्बैंड? नहीं फोन नहीं किया, असीं दोवें जी रोंदे रोंदे नाल मैं बच्ची लैके गई। मैं उस टाइम मैं कहा जांदा इत्थे देखदा ना जांदा होना, मैं उन्हूं फड़ लवांगी। वो मेरे कोलों फड़िया नहीं गया, वो ना सीगा। उन्होंने कहा बाजी इत्थे दुकाना, मैं दुकाना कोलों जाके रौला पाया। मैं कहा तुसीं बच्चियां वाले जे, तुहानूं पता रोंदे तुसीं बच्ची नूं पुछिया क्यों नहीं, मेरी छोटी जी बच्ची नूं कुछ हो जांदा ते फिर? वो कहिंदे बाजी दुकाना नहीं खुल्लियां सी उदों, सानूं नहीं पता। मैं उत्थे जाके रोई करलाई पूरी गली दे विच, उन्होंने कहा कैमरे दे जीरे तैनूं लब्भेगा। फिर कैमरे दे जीरे मैनूं लब्भिया, मेरी धी नूं लैके जा रहा। उसने पहचान ली, उसने कहा ये उसका घर वहाँ पे, हम वहाँ से वीडियो देखने के बाद हम फौरन वहीं गए उसके घर पे। लेकिन बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र 8 साल है। 8 साल बच्ची की उम्र है, तो बच्ची को आपने पहले कुछ बताया नहीं, क्योंकि जैनब का भी वाक्या हुआ था कसूर में, तो बच्ची को आपने बताया नहीं कि कोई आपको साथ लेके जाने की कोशिश करे तो नहीं जाना? हाँ बच्ची को बताया था यार, सारा समझाया उसे कि घर में जाना है, घर से बाहर निकलना ना जब भी कोई चीज़ वगैरह लेने जाना है, कोई आपको कोई चीज़ ले लो या आपको कहे भी मेरे पास आओ मेरी बात सुनो, तो किसी की बात नहीं सुननी, बल्कि ये कहना है कि जो कोई आसपास खड़ा हो उसे शोर करके कहना है अंकल ये लड़का या ये आदमी मुझे लेके जा रहा है, वो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा बल्कि उसे ही कहेगा। लेकिन पता नहीं इसीलिए शोर मचाया, बच्ची ने इसीलिए शोर मचा दिया। पहले तो उसने कहा भी शायद मुझे लेके जा रहा है, कोई कह रहा था कि मेरी थोड़ी सी मदद करो, साथ ही है, साथ मेरा घर है, मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा। लेकिन जब वॉशरूम में लेके जा रहा था तो बच्ची ने फिर शोर किया है, उसके बाद दुकान का शटर खुला है, इस वजह से अल्लाह ताला का शुक्र। वीडियो में क्या नज़र आ रहा है? वीडियो में वो बच्ची को लेके जा रहा है, ऐसा जाता नज़र आ रहा है, बस इस तरह पहचाना गया वो। वॉशरूम वहाँ पे कॉमन है, सारे यूज करते हैं उसे, दुकान मोहल्ले वालों ने, गली वालों ने, बाजार वालों ने बनाया? नहीं वो मार्केट वालों ने बनाया, जो दुकानों वाले हैं, दुकान वालों ने बनाया अपनी सहूलत के लिए, अपनी सहूलत के लिए उनके लिए। एक ही वॉशरूम। फिर नहीं मैंने लगा, फिर मुंडिया ने जाके तो फिर उन्होंने लगा। हाँ जी दोवें जी घास, असं मोटरसाइकिल से गए, नाल बच्ची भी लैके गए, उन्हें मैंने दसिया मम्मा इतने लैके मैंने बड़े आवे, इतने लैके आया, पहले इधरों की गया फिर मैंने इतों लैके मैंने इतने आया वे, तो इधरों की नसया वे, मैं उन्होंने बड़ा भजया, मैं नहीं लगा नस गया। वाक्य पहले भी इतने होंगे ने कि नहीं? नहीं इतने पहले वाक्य नहीं हो, साढ़े इतने पहला वाक्य है ही हो। बच्ची कली अक्सर जाती है? हाँ जी चले जाती है, नहीं कले नहीं जाती, तीन चार चार जने बच्चे चले जाते हैं डर के ना, लोगों दी गल्लां सुन सुन के ना, तो फिर असं एक नूं नहीं सकला दे, दो दो तीन तीन जड़िया नूं कलाने। इस वाक्य तो बाद ते बिल्कुल भी नहीं तुसीं कले भेज? नहीं हुण नहीं भेजना, हुण कले नहीं भेजना, हुण बस मुसीबत हो गई। नाज़रीन सहर मासूम बच्ची है और ये यहाँ पे मौजूद है, इसको जिस तरीके से उसने बहलाया फुसलाया, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और वालदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चा बाहर अकेला ना जाए, लेकिन जब बच्चे ज़िद करते हैं तो उस वक्त वालदैन भी हथियार डाल देते हैं। क्या नाम बेटा? सहर। 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 सहर उस दिन आप चीज़ लेने गई थी? हाँ जी। अकेली गई थी? पहले भी अकेली जाती हैं यहाँ से? हाँ जी। डर नहीं लगता? नहीं। सहर बच्ची जो है वो मासूम है, वो यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, ये अकेली वैसे कभी कभार जाती है चीज़ लेने के लिए और ज़िद करती है तो फिर वालदैन भी जो है वो उनको जाने देते हैं। सहर आप उस दिन भी अकेली गई थी? जी। पढ़ती हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 3 में। 3 में। तो आपको पता है कि अकेले नहीं जाते बाजार? हाँ जी पता है। और वो कसूर में जो वाक्या हुआ था पता है? नहीं नहीं पता। अच्छा
اس دن کیا ہوا جب آپ یہاں بازار گئیں دکان پہ؟ مجھے کہہ رہا تھا اے نا میری ایک چھوٹی سی مدد کر دو، میرا بھی ساتھ ہی گھر ہے، پھر میں تمہیں چاکلیٹ لے کے دوں گا، مجھے لے گیا تھا۔ پھر وہاں مجھے کہیں مارکیٹ پہ لے گیا تھا، وہاں ایک واش روم میں ڈال کے نا میرے اور بندے کام کرتا تھا۔ روئی وہاں پہ؟ روئی تھی تو دکان کھلی تھی تو وہ بھاگ گیا۔ آپ نے شور بھی مچایا؟ ہاں جی۔ تو شور سن کے پھر وہ دکان والا آیا یا اس نے خود ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے دکان کھولی، میں شور ڈالا تو اس نے دروازہ کھولا، میں بھاگ گئی۔ پھر بھاگ کے آپ نے آ کے ممی پاپا کو بتایا؟ ہاں جی۔ پھر یہ آپ کو لے کے گئے، آپ نے دیکھا ادھر ادھر کے وہ ہے یا نہیں؟ نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ چلا گیا تھا۔ اب تو نہیں جانا چاہیے نا اکیلا آپ کو؟ نہیں۔ نہیں جاؤ گی نا اکیلی بھائی؟ نہیں۔ لیٹر گھر میں یہ آئی روتی روتی، اس کی ممی اس کا پاپا بول رہے تھے ایسے ایسے شہر کو کوئی لڑکا پکڑ کے لے گیا ادھر، ہم بھاگ کے گئے ادھر، دیکھتے رہے ڈھونڈتے رہے، نہیں وہ نظر آیا کہیں۔ وہ مارکیٹ میں گئے، مارکیٹ والوں میں بولا ہم ابھی آئے ہیں، ابھی دکانیں اتاری ہیں، ابھی نہیں تھی ہم، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے دیکھا گلی پہ گئی، کیمرہ لگا ہوا تھا، کیمرے کی طرف میں نے بھائی کو دیکھا، بھائی یار یہ ادھر واقعہ ہوا ہے، وہ تصویر نکالنا۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں جا، وہ بھائی اسلام آباد گیا ہوا ہے، کسی کو جا جائے لے گیا، یہ بھائی نے نکالی پھر۔ جی بالکل، یہ پہلے بھی اس کے ایک تھانہ چاد باغ، ایک تھانہ برہمی باغ میں اس کا یہ کیس نما ہوا تھا، جس میں یہ پہلے کرنے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یا پیسے لین دین کر کے یہ چھوٹ گیا۔